नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने के बाद आप नेता भगवंत मान पंजाब के नए सीएम के रूप में आज शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में मान को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के अगले चरण की शुरुआत बुधवार से हो गई। आज से ही 12 से 14 साल के बच्चों को भी टीका लगना शुरू हो गया है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन काफी अहम है। अब 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को भी तीसरी डोज लगाई जाएगी। मैं इन आयु वर्ग के लोगों से वैक्सीन लेने की अपील करता हूं। भारत में साल 2007 से लेकर अब तक कुल 16 चीनी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने संसद में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक के डेटा के मुताबिक कुल 10 चीनी नागरिकों के आवेदन पेंडिंग हैं। इन सभी ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। होली से पहले देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली खाद्य पदार्थों पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए नकली मावा और पनीर की बड़ी खेप पकड़ी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सहस्त्रधारा आईटी पार्क के पास मिल्क वैन पर छापेमारी की थी। गुजरात का सार्वजनिक कर्ज अब 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। 2021 के संशोधित अनुमानों के अनुसार मंगलवार को राज्य विधानसभा को इसकी जानकारी दी गई। ये जानकारी राज्य के वित्त मंत्री कानू देसाई ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक पूंजा वंश के एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का अंदाज इन दिनों अलग ही देखने को मिल रहा है। गंगूबाई काठियावाड़ी की सक्सेस के बाद से आलिया भट्ट का अंदाज बदला नजर आ रहा है। आलिया गंगूबाई के बाद कई बड़ी फिल्मों में धमाल मचाती हुई दिखने वाली है। ऐसे में एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग का बढ़ना कोई हैरानी की बात नहीं है। आलिया भट्ट इन्हीं फैंस की हमेशा तारीफ भी करती रही है। इस बार भी आलिया ने कुछ ऐसा ही किया। आलिया भट्ट ने अपने खास दिन यानी कि 29वें जन्मदिन की झलकियां फैंस के लिए सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। साथ ही एक्ट्रेस ने सभी का शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में सोशल मीडिया पर सत्ता से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक सत्ता की मिलीभगत से सामाजिक सौहार्द भंग कर रहा है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। फेसबुक और ट्विटर जैसे दिग्गज वैश्विक कंपनियों का इस्तेमाल नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने के लिए किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती 2021-22 के फाइनल नतीजों की घोषणा कर दी है। परीक्षार्थी एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 2056 पदों पर भर्तियां होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश में विभिन्न जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में केस दर्ज किया है। सपा कार्यकर्ता पर यह मुकदमे 10 मार्च को संपन्न राज्य चुनाव के लिए मतगणना के एक दिन पहले मतगणना केंद्र पर ईवीएम ले जा रहे सरकारी वाहनों की जांच के संदर्भ में दर्ज किए गए। दरअसल 10 मार्च यानी मतगणना से 2 दिन पहले उस समय विवाद खड़ा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना आवश्यक इस्लामी विश्वास में धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। कोरोना वायरस दुनिया के तमाम हिस्सों में दम तोड़ रहा है, इसमें भारत भी शामिल है। लेकिन इस राहत के बीच कोरोना का नए वेरिएंट फिर से दस्तक दे रहा है। चीन में ओमिक्रॉन के इस सब वेरिएंट BA.2 ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यहां मंगलवार को 24 घंटे में 5,280 नए मामले सामने आए हैं। चीन में अब इस वेरियंट BA.2 ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। यहां मंगलवार को जो मामले सामने आए हैं उसमें से 3,507 घरेलू केसेस बताए गए हैं। डराने वाली बात यह भी है कि चीन में सबसे ज्यादा 14,000 केस 12 फरवरी 2020 को सामने आए थे। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापना को लेकर के और उन पर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को लेकर देश का सियासी पारा अपने चरम पर है। इसको लेकर कांग्रेस भाजपा में टकराव भी देखने को मिल रहा है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के फिल्म का पक्ष कांग्रेस का नाम लिए बगैर महात्मा गांधी इमरजेंसी का जिक्र किया तो कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। आईसीसी द्वारा बुधवार को जारी की गई ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टॉप 5 गेंदबाजों में अपनी जगह बना ली है। वो 6 पायदानों की लंबी छलांग लगाकर 830 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि ओआरओपी सिद्धांत और 7 नवंबर 2015 की अधिसूचना में उसे कोई संवैधानिक दोष नहीं दिखता है। शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन सरकार का नीतिगत फैसला है और इस नीतिगत मामले पर अदालत दखल नहीं देता है। बिहार बोर्ड की तरफ से कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है, जिसमें इस बार लड़कों का दबदबा देखने को मिला है। सभी स्ट्रीम में लगभग लड़के टॉप पर रहे हैं, जिसके बाद बिहार बोर्ड ने सभी छात्रों से अपील की है कि वो अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग 2022 शुरू होने में बस चंद ही दिन बचे रह गए। इस बीच फ्रेंचाइजी टीमों को बड़ी राहत देने वाली है। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी आईपीएल के उपलब्ध होंगे। इससे पहले खबर आई थी कि अफ्रीकी खिलाड़ी आईपीएल के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने हिजाब के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को तत्काल सुनवाई करने की मांग संबंधी गुहार अस्वीकार करते हुए इस पर होली के बाद विचार करने का संकेत दिया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस मामले में होली के बाद विचार किया जाएगा। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने इस मामले को अति आवश्यक बताते हुए आज विशेष उल्लेख के दौरान तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी। देश में मोबाइल ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता की संख्या पिछले 5 साल में दोगुना से अधिक होकर 76.5 करोड़ पर पहुंच गई है। नोकिया की तरफ से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में 4G डेटा ट्रैफिक 6.5 गुना बढ़ गया है। नोकिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भारत प्रमुख संजय मलिक ने वार्षिक नोकिया MBIT रिपोर्ट का विवरण साझा करते हुए कहा कि देश की कुल डेटा खपत में 4G इंटरनेट सेवाओं का हिस्सा 99% है। भारत सरकार की तरफ से जब से इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को बढ़ावा दिया गया है उसके बाद से ही बलरामपुर चीनी के शेयरों में तगड़ी उछाल देखने को मिल रही है। साल 2021 में यह एक मल्टी बैगर स्टॉक था। अब हाल ही में कंपनी का स्टॉक 440 रुपए प्रति शेयर के भाव से रिकवर होते हुए 515 रुपए प्रति शेयर तक पहुंच गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले पति राज कुंद्रा को अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब उनकी मां सुनंदा शेट्टी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा पर कथित तौर पर 21 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप लगा है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर खान ने इससे पहले शिल्पा, उनकी मां सुनंदा और बहन शमिता को धोखाधड़ी के एक मामले में समन जारी किया था। यूनाइटेड नेशंस में इस्लाम को लेकर पाकिस्तान का बड़ा प्रस्ताव पारित हो गया है, जिसके तहत हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने मंगलवार को पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को पास कर दिया है, जिसको लेकर भारत ने अपनी चिंता जाहिर की है और इस प्रस्ताव का फ्रांस ने विरोध किया था। महिला वनडे विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 36.2 ओवर में 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, लेकिन जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 31.2 ओवर में 6 विकेट गंवाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। यह भारतीय टीम की वर्ल्ड कप में दूसरी हार है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के कांग्रेस में कलह की शुरुआत हो गई है। दरअसल गांधी परिवार पार्टी से कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता, जबकि G23 में शामिल नेताओं का मानना है कि यदि पार्टी को फिर से खड़ा करना है और खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करना है, तो गांधी परिवार को पीछे हट जाना चाहिए और किसी गैर गांधी को पार्टी की कमान सौंपी जानी चाहिए। चीन में कोरोना वायरस के नए मामलों के कारण कारोबार को बड़ा झटका लगा है। KFC और पिज्जा हट के मालिक ने कहा है कि मार्च के पहले 2 हफ्ते में बिक्री में 20% की गिरावट आई है, क्योंकि पूरे देश में कोरोना मामलों में इजाफा हुआ है। BBC ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि महामारी की शुरुआत के बाद से चीन में अब तक का सबसे बड़ा लॉकडाउन लगा है। पिछले 9 मार्च को भारत की एक अनआर्म्ड मिसाइल गलती से पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर जाकर मियां चुनू इलाके में गिरी। शुरुआत में पाकिस्तानी फौज ने इसे भारत का हमला माना और जवाबी मिसाइल दागने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वक्त रहते उसने इरादा बदल दिया। इसकी 2 वजह थी। पहली, इस मिसाइल पर कोई वॉरहेड यानी कि हथियार नहीं था। दूसरा, पहली नजर में ये लग रहा था कि ये जानबूझकर फायर नहीं किया गया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर आगे बढ़ रही बातचीत और चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के फिर से बढ़ते मामलों ने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को नीचे लाने में मदद की है। हालांकि शेयर बाजारों में अस्थिरता देखी जा सकती है, सोने की कीमत पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में व्यापार से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी आपको समय समय पर दी जाती रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की राज्यसभा सीट के लिए 31 मार्च को होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन के दूसरे दिन भी किसी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। राज्यों की परिषद की द्विवार्षिक चुनाव के लिए नागालैंड के निर्वाचन अधिकारी के रियो ने बताया है कि सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हॉकी, इंडिया ने बुधवार को FIH मेंस हॉकी प्रो लीग में अर्जेंटीना के खिलाफ खेले जाने वाले 2 मैचों के लिए 22 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। दोनों मैच इस सप्ताह के अंत तक भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। टीम चयन पर मुख्य कोच ग्राहम रीड ने कहा कि ये खेल युवा नए खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच प्रदान करेगी, जबकि एक टीम के रूप में हमें एशियाई खेलों से पहले विभिन्न संयोजन पर काम करने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे बंगाल के छात्रों से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ममता ने सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों के लिए कई ऐलान करते हुए हर संभव मदद लेने का भरोसा दिलाया है। मुंबई की एक अदालत ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंध दिशा सालियान के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक और भ्रामक बयान देने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नीतीश राणे को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश SU बघेले ने उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता यादव, गौतम कुमार, बबलू कुमार, गौतम सिंह, कुश कुमार, एमएस अंकुश यादव, श्वेता रॉय प्रदीप, अनवर करीम, जावेद आलम, गणेश कुमार शाह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत की तरफ से गलती से मिसाइल पाकिस्तान की तरफ छोड़े जाने से क्या दोनों देश के बीच में दबाव बढ़ जाएगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।